ಓಂ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಂ ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಮಂಗಲಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಮಂಗಲಾಯತನು ಹರಿ ಬೋಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜಯ ಬೋಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾ ಕೀ ಜಯ थोड़ा सा जल आपने कहां पर रखना है जिससे आपका हर वो काम बन सकता है अगर आपके काम में अड़चन आती है। साथियों, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जल को बहुत महत्व दिया गया है, वरुण देवता का स्थान दिया गया है। कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में कभी भी कोई किसी काम में अड़चन ना हो, किसी काम में कोई रुकावट ना हो, तो बहुत से ऐसे उपाय मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं जिनसे आपको लाभ मिले, जिनसे आपको पुण्य की प्राप्ति होवे। आज जो उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जल आधारित यह उपाय है, पानी का यह उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत प्रभाव से दूर होगी और आपको सुख का आनंद आएगा। साथियों, अब जो उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इस उपाय के परिणाम बहुत ही दूरगामी है, बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको इस उपाय के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को करते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, मैं पंडित नीति शास्त्री आज के इस नए एपिसोड पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, पिछले काफी समय से हमारे पास भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि शास्त्री जी, जीवन में अनावश्यक रूप से अगर परेशानियां चल रही हैं या हमारे छोटे मोटे से लेकर के बड़े कार्यों में हर प्रकार के जो भी कार्य हम करते हैं उसमें अड़चन आती है, आप कोई ऐसा उपाय बतावें जिससे कार्यों में आ रही अड़चन रुकावट दूर हो। तो साथियों, अगर आप आज के इस एपिसोड को पूरा देखते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है इस एपिसोड से आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब आप सभी भक्तों को आज के उपाय से रूबरू करवाते हैं, लेकिन उससे पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी का ध्यान करके बारंबार उनको प्रणाम करेंगे कि हे लक्ष्मी माता, आप सभी के अनधन के भंडारे सदा भरती रहें। ॐ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नीति शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सम्मुख आज का नया एपिसोड लेकर के। बात कर रहे हैं जीवन में आ रही तमाम परेशानियां या कार्यों में आ रही अड़चन को कैसे दूर करें। साथियों, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम चाहते हैं कि ये हमारे जल्दी से जल्दी बन जाए, हमें इनसे जल्दी से जल्दी लाभ मिले, लेकिन हमारी कई बार ग्रह स्थिति ऐसी हो जाती है, कई बार कुछ हमारे ऐसे कर्म होते हैं, कोई ऐसे हमारे पाप कर्म होते हैं जिनके कारण हमारे बनते हुए कार्यों में अड़चन आ जाती है, हमारे कार्यों में रुकावट आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पूर्व जन्म के हमारे कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जिसके कारण इस जन्म में हमें कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब जो उपाय, जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान पूर्वक आप इस उपाय को सुने और तमाम आपके जीवन में आ रही परेशानियां तुरंत प्रभाव से दूर होगी। साथियों, आपने सोमवार के दिन से इस कार्य को प्रारंभ करना है। शुक्ल पक्ष का, चांद पक्ष का जो जेठा सोमवार है, यानी कि जो सबसे पहला सोमवार आता है, उस सोमवार को आपने सुबह जल्दी उठकर के स्नान करना है। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद एक लोटे में ताजा सुवासित जल भर लें। उस जल में आपने गुलाब के फूल की दो चार पंखुड़ियां यानी कि पत्तियां डाल लेनी है। इसके अलावा उस जल में आपने थोड़ी हल्दी डाल लेनी है और थोड़े चावल डाल लेने हैं। अब आपने इस पात्र को अपने हाथ में ऐसे पकड़ लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा आपने 21 बार बोलना है।
उसके बाद आप इस जल को भगवान सूर्य नारायण की तरफ ध्यान करके उनको अर्पण करना है। लगातार आपने 11 सोमवार इस प्रयोग को करना है, बीच में कोई भी सोमवार नहीं छोड़ना है। आप 11 सोमवार करने के बाद बहुत ही जल्द इसके शुभ रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे और आसानी से आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथियों यकीन मानिए, अगर सच्चे मन से आपने इस उपाय को कर लिया तो हाथों हाथ इसके पॉजिटिव रिजल्ट, इसके ऐसे परिणाम आपको मिलने लगेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि हमारे पास भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी आसान उपाय हमें बताइए जो हम आसानी से कर सकें, तो हमारी भी कोशिश रहती है आपके लिए ऐसे उपाय लेकर के आए जो आपको रिजल्ट तो दे ही दे, साथ में उनका जो परिणाम है वो भी लंबे समय तक आपको मिलता रहे। सही समय पर सही भाव से किया गया उपाय हमेशा उचित फल देने वाला होता है। तो आशा करता हूं उपाय आपको पसंद आया है। अगर एपिसोड अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देवी भगवती का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। जय माता की।